पावन गांव चौबे बांधा के जनता भगवान रूपी गंगा मां नहाए बर बैठे हो सबको झल के पावन चरण कमल ला पावन गंगा पनवानी मठ पुरे ना रायपुर बलौदा बाजार के नहर ले गाना सब प्रणाम भेदाई हो स्वीकार करहु वास्तव में धन हमर भाग जिन नहीं राम नाम रूपी गंगा में लहरा लगा के सौभाग्य प्रदान हो तुहर बन के संगे संग हमू मल सौभाग्य मिले है दीदी हो वैसे तो त्रिदेव श्री मानस मंच के सुंदर मंच सजे है जिनमा हमर गुरुदेव मन महाभारत के कथा के लिए मोला तमरा धरा के खड़ा कर दे है और ये महाभारत के कथा के कहीं नहीं जाना एक आठ साल हो थे मात्र कुछ कुछ बात न जाना था वहू ना बरोबर बोले बन नहीं आए अब यहाँ बड़े बड़े कलाकार मोर भाई बन विराजमान है सब बोले आगुमा मोर दीपक भैया जिन्हें कैमरा चलावा थे जब छोटे छोटे रहे हो गाना गाय बन नहीं आवत रही सबो मंच में भैया मोर आशीर्वाद दे रही अब यहाँ गुरुदेव मन घलो बैठे आयोजक समिति के जतका सियान मन बैठे है अब यहाँ एक जनऊ जिन चाचा जी परिचय के मोहताज नहीं है चेतन सोनकर जी जिन हमर बेंजो वाला चाचा के साथ कलाकारी स्टार्ट करे है वो चाचा के बहुत बड़े योगदान है मोर दीपक भाई के बहुत बड़े योगदान है अब इकरे मन में आशीर्वाद पाके आज तुहर मन के सामने तमुरा धर के खड़े हो दीदी हो कथा कहानी में गलती तो हुई का बरे भगवान की कथा अनंत है कर पार पाना भारी मुश्किल है एला सिखत सिखत मर जब तब होए कर पार ना नहीं पा सकन भगवान की कथा अथा है अब ये महाभारत की कथा द्वापर में भगवान रामचंद्र जी के रूप बना के प्रकट हुए त्रेता युग में और द्वापर में भगवान कृष्ण कन्हैया के रूप में प्रकट हुए खाली पापी मन के नाश करे बर कौरव मन के नाश करे बर गौ ब्राह्मण संत मन लतारे बर भगवान मन जब जब विपत पड़ी तब तब धरती माता के भार हरण करे बर भगवान मन प्रकट है लेके आए हैं तो राम उही ये बहिनी हो कृष्ण भगवान उही हरे भगवान एक तब है नाम भले दर्श तो आओ महाभारत की कथा जन्म भगवान कन्हैया सच्चाई के साथ दीस कौरव मन के नाश करी और जिन धर्म के रास्ता में चलिस लेकर सपोर्ट करी अब ये ओ महाभारत की कथा है जन कथा ल सुन के इंसान के जीवन के अंधियारी दूर हो जाए जीवन भर के पाप नाश हो जाते मोक्ष प्रदान कथा महाभारत की कथा एला मति अनुसार तमुरा धर के खड़े हो तुहरे मन के सुने सुनाए ल मैं तुही मन ल बताए के प्रयास करू करण परब के बाद लामन के बीच में लेके आवत हो जल्दी बराबर हो ही जिल्ला मोला बताए के प्रयास कर ले श्री गुरु चरण मनाए के अभ्यास देव धन ध्यान करण परब भाषा न चतो और राम सबल सिंह चौहान Oh, no, 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 Oh,
जन भाई के और जिनमन सब के काका बड़न के भाई है दीदी जिकर माता मन के नाम है कुंती गंधारी सब जन भाई मन के नाम है जिकर माता गंधारी जना आंखी में पट्टा बांधे आंखी में पट्टा बांधे तब वो दिन पूछा थे तो कर आंखी नहीं दिखे का दीदी मैं कि थों पर आंखी दिखा दे दीदी ओकर पति की आंखी नहीं दिखा थी ऐसे का अब वो यही सोचा थे मोर पति संसार में नहीं देख सके तब मैं देख के का कर अच्छा पति वरना नारी पति वरना नहीं भाई पर माता को गंधारी रह दे ना पर आंखी में पट्टा बांध दे ओ ओ पांचो पंडो बन के दाई माता कुंती ये बहिनी भाई जिन हम पांचो पुत्र बिरमला जन्म दे माता कुंती जगर पांच पुत्र पांचो जन वरदानी पुत्र महावीर पुत्र अच्छा पांचो पंडो मन हराज पाट ले जुबा महार के दीदी जिन मन ला 13 साल वनवास हो जंगल धारी नदी नाला पहाड़ पर्वत ला घूमत अपार दुख के सामना करके पांचो पंडो मन 12 साल वनवास और एक साल मुक्त वनवास ला पिता के आगे है श्याम सुखदाई अमर हल धर के भाई का भजन ये रथ के सवारी का भैया
झगड़ा करना नहीं चाहत हो कुरुपति दुर्योधन से ते मातरा बना देबे कन्हैया कथे ते चिंता झंझट करना मत कर। ओ माता द्रौपति सुंदर इस कन्हैया हा हां दुर्योधन के भवन में राज्य मान के बन जावत हो ये कन्हैया आवे गिरधारी है बनवारी श्याम सुंदर मुरारी ते मर दुखला जानत कन्हैया माता द्रौपदी राहत भगवान कन्हैया कर जल्दी कन्हैया का द्रौपदी देख गुरुपति दुर्योधन कर राज्य मांगे पर जावा थसना हाँ पर एक बात लते सुरता कर ले बे भैया एक बात लते सुरता कर ले बे भैया कौन बात लबो मोर मान ल पकड़ के तू शासन बोला यहां खींचत ले गए है सभा के बीच में मोर अपमान करे है मोर सिर हरह करे है मोर जंगा में बैठा के प्रयास करे है अब वही दिन ले वो भवन ले में कसर खाक निकले हो जब तक के कौरव मन के भोजन नहीं उखाड़े ही ना अच्छा तब तक के बाल में बांधा नहीं ऐसे का मैं चाहा तो कि ऊपर खून से मैं अपन बाल ल धोवाऊं धोवाऊं ये बात ल तो याद रखबे कन्हैया राज्य मत मांगबे हो कौरव मन का विनाश होना चाहत हो कौरव मन के खून से मैं अपन बाल ल धोना चाहत हो कहीं के माता द्रौपदी राहत भगवान कन्हैया के पांव ल पकड़े और तोर मुरली में जा तो भरे कन्हैया ने बंसी बजा हाँ।
दिखाई दिखा खाली मार पीट कर ली कर ली एको कंधे पर मन नहीं बले साफ मना कर दिस गुरुपति दुर्योधन भगवान कन्हैया मुस्कुरावत और जा के धर्मराज ने भगवान कन्हैया बतावत है भैया राज्य नहीं मिले अच्छा वो तो सुई की नोक के बराबर जमीन देवर इनकार कर दी का करबो कन्हैया धर्मराज अगर नाम स्थिति हो लेकिन हमेशा धर्म में चलने वाले व्यक्ति बहुत धर्मात्मा राजा है धर्मराज जैसे पांचों भाई और सौ जनों में पूरा ऐसा धर्मराज धर्मराज कथे नहीं दे लड़ाई झगड़ा नहीं कर आओ भाई मन कदल उठा के भूजल पर हो रहा है अधिकार नहीं मिले तो लड़ाई करल पड़ी ही अब ऐसे दोनों भाई मन के बीच में बातें बाद में झगड़ा मार गए 18 दिन के महाभारत मार गए दीदी हो और जगह जगह देश देश में निमंत्रण पहुंच गए बड़े बड़े सूरवीर पहलवान मन पर निमंत्रण पहुंच गए हरि गुण गावत नहीं बने तोला मन सजाए बर पड़ी हो बिर
तीन अर्जुन राहत भगवान के रही रथ में बैठा के सुंदर महात्मा मुकुट और सर में तिलक लगा के आरती उतार भगवान के रही सावन में बिजली ना चलते भी।